हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आगे और एक्सटेंड करेंगे। लास्ट लेक्चर में व्हाट वी डिड दैट अकॉर्डिंग टू फैराडे देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मींस वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये इफेक्ट हो गया था कब? बाय फैराडे इन 1831 में ये बात प्रूव कर दी थी फैराडे ने कि दोनों के अंदर रिलेशनशिप है, मींस दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। देन मैक्सवेल इन 1864 उन्होंने कहा कि भाई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्योंकि आपने कहा ये दोनों मिले जुले हैं, एक वेव्स निकलती हैं। मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, जब वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स दे रहे थे कि भी वो वेव्स कैसी होंगी, उनका नेचर कैसा होगा या उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, उन्होंने ड्यूरिंग दैट डिस्कशन दो चीजें मेन की थी। एक तो जो हमारे लॉज थे उनको डिफरेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक डिस्प्लेसमेंट करंट की बात थी। दो बातें मेन की थी, और जब वो ये सारे काम कर रहे थे, कुछ बातें और भी बताए, भी डिस्कस करेंगे साथ साथ, वो भी काम किया था उन्होंने। लेकिन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ मींस जनरेट कैसे होंगी ये वेव्स, वो कुछ नहीं बता पाए। देन 1888 के अंदर हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये कहा कि भाई ये जो मैक्सवेल साहब कहकर गए हैं, ये देखो मैंने आज वेव्स बना दी हैं। ये तो सिर्फ यही कह पाए थे कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज है That produces EM waves. बस यही बता पाए थे कि भाई वो क्यों करेगा, ये नहीं बता पाए थे। फिर मैंने क्या कहा, 1888 में हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया और पूरा सारा बकायदा कि हां भी ये ऐसे बनती है। तो पहले इन्होंने जो आइडिया बेसिक कंसेप्ट यूज किया था उसकी बात करते हैं, फिर आगे यही फिर वापिस आ जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत कम मैक्सवेल साहब का करना है हमने। लो जी, पहले प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन में बेसिक जो फिनोमिनन है वो क्या है? उन्होंने क्या कहा कि आपके पास एक कैपेसिटर है, दैट कैपेसिटर इज सपोज फुली चार्ज्ड, और आपने उसको एक इंडक्टेंस के अक्रॉस लगाया हुआ। मैं पहले फिगर बना रहा हूं बेटा जी, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, क्योंकि अगर मेरे पास फिगर बनी होगी तो मुझे चीजों को फिर बनाना आसान हो जाएगा। लो जी, एक और बना लेता हूं, चार का सेट चाहिए मेरे को। राइट, एक कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है भाई, मैंने उसके ऊपर तीन पॉजिटिव और तीन नेगेटिव दिखा दिए। मैक्सवेल साहब ने क्या कहा था, एक्सेलरेटेड चार्ज, इसके बाद वो कुछ नहीं बता पाए। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये कहा था उन्होंने। राइट, अब हम थोड़ा सा अगर अपनी 11th क्लास के ऊपर चलें, वहां हमने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई पेंडुलम है दैट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, क्या इसके पास एक्सेलरेशन होगा? बिल्कुल होगा। कितना होगा? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई कर दो, या चलो ओमेगा स्क्वायर वाई कर, या a इज इक्वल टू m ओमेगा, m लगाऊंगा तो फिर मुझे फोर्स की बात करनी पड़ेगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। मींस यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी भी पढ़कर आए हैं, क्या बताया था, एक्सट्रीम पोजिशन पर जाके वेलोसिटी जीरो होगी, यहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यहां वेलोसिटी फिर जीरो होगी। मीन्स ड्यूरिंग, ये जो मोशन है कैसी है, एक्सेलरेटेड है, फिर रिटार्डेशन है, फिर एक्सेलरेशन है, फिर रिटार्डेशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है ये। इसका मतलब वो जो बात थी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल वाली जो बात थी वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन
उसको मुझे कैसे यूज करना वो मुझे नहीं पता था। तो क्या कहा कि अगर कोई मेरा चार्ज पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है तो वो मोशन भी तो एक्सेलरेटेड है, बस यही कंसेप्ट मुझे यूज करना है। देखो कैसे, मुझे बस यही कंसेप्ट यूज करना है कि जो मेरी ऑसिलेटरी मोशन है दैट इज आल्सो चार्ज्ड मोशन। यहां पर एक शुरू में की लगी हुई है, कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है, तो जैसे ही मैं की को इंसर्ट करूंगा एट इंस्टेंट t इज इक्वल टू जीरो, आई कितना होगा, जीरो होगा शुरू में। तो अब क्या हुआ, करंट ने ग्रो करना शुरू कर दिया भाई। अब मैंने चार की लाइनें दो बन, पहले यहां पर तीन लाइनें थे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टू बिटवीन द प्लेट्स पढ़ चुका हूं मैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो फिक्स्ड वैल्यू कब थी, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा चार्ज, अब क्या हुआ, कुछ चार्ज इधर फ्लो कर गया डी क्यू अमाउंट, ये फ्लो करके क्या हुआ, जब ये यहां आ रहा है तो ये भी इतना आसानी से नहीं जाने देगा इसको, ये भी कुछ करेगा, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी बनेगी, वो चलो बाद की बातें हैं। अब लाइनें मेरी दो रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें दो रहेगी, इट मींस जो करंट है वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है करंट इसके अंदर, पहले करंट जीरो था, थोड़ा सा करंट बन गया। अब क्या हुआ, यहां पर लाइन सिर्फ एक रहेगी, एक चार्ज दिखा दिया, करंट और ग्रो कर गया, अब क्या होगा, जीरो होगी यहां पर, जीरो चार्ज, तो ये करंट कितना हो गया, मैक्सिमम करंट हो गया भाई, चेक कर लो, मैक्सिमम करंट हो गया। यहां सपोज कर लो ये प्लस क्यू नोट चार्ज था, और ये क्योंकि नाम तो कोई देना पड़ेगा, यही हम पढ़कर आए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चेक कर लो, यही कुछ और तो नहीं पढ़कर आए, यही पढ़कर आए, चेक कर लो बच्चों। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर मैं फिगरें बना लेता हूं आपकी, थोड़ा साइज छोटा कर दिया मैंने फिगर का, ये फिगरें फिर बना लेता हूं मैं तीन, अब मेरा काम तीन से चल जाएगा। अभी करंट, अब करंट क्या करेगा, ये डीके करेगा करंट, तो चार्ज तो अभी आपका इधर को ही फ्लो करेगा, तभी तो करंट डीके कर पाएगा ये। अब आई क्या हो जाएगा, डीके करेगा, पहले ग्रो कर रहा था, अब ये डीके करेगा। अब क्या होगा, यहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यहां चला जाएगा, पहले एक लाइन बन जाएगी, फिर क्या होगा, यहां दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, अभी भी करंट क्या कर रहा है, डीके कर रहा है, तो या क्या हो जाएगा बच्चा जी, ये दो लाइनें बन जाएंगी। थोड़ा कैपेसिटर को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि लाइनें प्रॉपरली बन जाए मेरी, बाकी तो मुझे चूज नहीं चाहिए, ये चाहिए मुझे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक लाइन बन गई बच्चा जी, कैपेसिटर थोड़ा बड़ा, ये दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। अब क्या हुआ, फिर यहां आकर ये तीन बन गई, अब आई कितना हो गया, जीरो हो गया भाई, चेक कर लो, वहीं पहुंच गया जहां से चले थे, लेकिन कैपेसिटर आपका रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है रिवर्स डायरेक्शन में। अब ये क्या करेगा, फिर चलेगा, फिर क्या करेगा, फिर डिस्चार्ज करेगा, वही तीन फिगरे फिर बना लेते हैं, कैपेसिटर को बड़ा ही बनाते हैं क्योंकि मेन रोल ही कैपेसिटर का है। लो जी, अब चार्ज कहां फ्लो करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में, पहले डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये थी, ये बनाई हुई है मैंने, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थी, यहां पर भी यही थी, और आपके बाद यहां ये सारे डायरेक्शन सेम है, ये डायरेक्शन सेम है, ये डायरेक्शन सेम है, क्यों, पहले पॉजिटिव यहां गया, इसको न्यूट्रलाइज करता रहा, जब ये जीरो हो गया, अभी जब करंट कैसे डिके करेगा, जिसने इसको बढ़ाया वही तो उसको कम करेगा, तो चार्ज अभी भी आप कैसे फ्लो करेगा, अब यहां एक देखो, पहले सारे नलीफाई कर दिए, अब एक प्लस हो गया, अब ये प्लस दो हो गए, अब प्लस तीन हो, अब जाके ये जीरो हो गया चार्ज, अब वापिस काम हो जाएगा। अब चार्ज कहां फ्लो करेगा, पॉजिटिव यहां पड़ा हुआ है, ऐसे फ्लो करेगा, तो अब आपका करंट ऐसे ग्रो करेगा ऊपर रिवर्स डायरेक्शन में, तो पहले ये एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये अब ये तीन थे, ये तीन के दो रह गए, अब ये ठीक हो गया। देख लो बच्चा जी, ये पॉजिटिव है इधर और इधर नेगेटिव है, फिर ये क्या रह गया, एक रह गया, इसको एक बना देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, अभी भी करंट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक हो गया रिवर्स डायरेक्शन में, पहले देखो करंट ग्रो कर रहा था नीचे को, अब करंट ग्रो कर रहा है ऊपर को, अब यहां क्या हो गया, फिर ये जीरो हो गया, और करंट कितना हो गया ऊपर को, मैक्सिमम हो गया।
चेक कर लो भाई। अब फिर जब ये करंट मैक्सिमम हो गया है, इसको फिर कम होना पड़ेगा करंट को, तो अगेन रिवर्स डायरेक्शन में चलो काम करो अपना। मैंने फिर मेन एम्फेसिस मेरा कैपेसिटर के ऊपर है, मेन एम्फेसिस मेरा फिगर के अंदर कैपेसिटर के ऊपर है। जीरो हो गया जी अब ये, अब क्या होगा, फिर चलेगा चार्ज। अब अभी डायरेक्शन ऑफ मोशन वही रहेगी चार्ज की, तभी तो उसको कम कर पाएगा। कौन सी डायरेक्शन मोशन थी चार्ज की, अब आप देख लो भाई, पहले चार्ज आपका ऐसे गया था, अब ये चार्ज आपका ऐसे जा रहा है, ये उल्टा बना दिया मैंने, चार्ज ऐसे जाएगा, चार्ज आपका ऐसे जाएगा, राइट। अब चार्ज फिर अभी ऐसे ही फ्लो करेगा, अब यहां पर एक पॉजिटिव आ जाएगा और एक नेगेटिव, और आपका आई क्या होगा, डीके करेगा, राइट। फिर अभी चार्ज आपका ऐसे ही फ्लो करेगा, यहां पर दो पॉजिटिव दो नेगेटिव दो फील्ड करके, अभी आपका फिर आई डीके कर रहा है। यहां पर आपके क्या बन जाएंगे, तीन पॉजिटिव और तीन नेगेटिव, चार्ज ऐसे ही फ्लो कर रहा है। अब करंट यहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम शेप जहां से चले थे आप। दिस इज अ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। लेकिन इस पूरे कंप्लीट साइकिल में यहां फील्ड मैक्सिमम था, फील्ड थोड़ा कम हुआ, फील्ड थोड़ा और कम हुआ, फील्ड जीरो हुआ, फील्ड बढ़ा कहां पर, उल्टी डायरेक्शन में, थोड़ा और बढ़ा, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर फील्ड कम होना शुरू हो गया, फिर फील्ड कम हुआ, फिर फील्ड जीरो हुआ, एंड सो ऑन। तो आपका जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट ऑसिलेटिंग पार्टिकल क्या है, इक्वलेंट टू एक्सेलरेटेड है। उसने क्या बनाया, देखते हैं उसने क्या बनाया अभी। तो पहले इसमें मैंने क्या कहा, पहले डीक्यू चार्ज ने चलना शुरू किया इस डायरेक्शन में, ये भी डायरेक्शन वही है, ये सारा खत्म कर दिया, यहां पहुंच गया, जीरो स्टेज दिखानी पड़ती है, हालांकि कोई स्टेज आएगी नहीं है, उसके एकदम जीरो का एकदम ही आ जाएगा। लेकिन चलो अभी चार्ज आपका उधर कोई फ्लो कर रहा है डीक्यू, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, अब ये क्या हो गया, जीरो हो गया यहां पर, ठीक है जी, इसके रिवर्स डायरेक्शन में। अब चार्ज उल्टा चलेगा, अब चार्ज आपका ये चला डी क्यू, ये चला डी क्यू, सेम डायरेक्शन में चला डी क्यू, ठीक है जी, सेम डायरेक्शन में चला डी क्यू, सेम डायरेक्शन में चला डी क्यू, और सेम में बिल्कुल वहीं पहुंच गए जहां चले थे। तो इन बिटवीन आप रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हो आफ्टर कंप्लीट साइकिल, वहीं ये फिर चल पड़ेगा सेम। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर मुझे क्या मिला, वो जो ऑसिलेटिंग चार्ज ने मुझे क्या दिया, उसको देख लेते हैं, उसको हम अभी रब नहीं करते, इसको रब करके फायदा नहीं, यही प्लॉट करते हैं भाई साइड, ये चलो ऊपर प्लॉट करते हैं, यहां प्लॉट करते हैं भाई, लो इसको प्लॉट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में मैक्सिमम है भाई, फील्ड मैक्सिमम है, तो हम इसको बना लेते हैं भाई, ऐसे बना लेते हैं, चार पार्ट्स बना लेते हैं इसके, ताकि कंप्लीट साइकिल बन जाए मेरा। उससे थोड़ा कम हुआ, पहले फील्ड इतना था भाई, थोड़ा सा कम हो गया भाई, थोड़ा और कम हो गया भाई, और जीरो हो गया, तो फील्ड मेरा ऐसे वेरी किया भाई, इसको मैं थोड़ा बना सकता हूं ऊपर करके, ऐसे वेरी किया, फील्ड मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। अब बढ़ा कहां पर, रिवर्स डायरेक्शन में, ये बढ़ा रिवर्स डायरेक्शन में, यहां के क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और फिर ये कम होना शुरू हो गया, और फिर ये फिर मैक्सिमम हो गया। ये कंप्लीट साइकिल मैंने बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन का। फील्ड यहां थ्री थे, फिर टू हुए, फिर वन हो गए, फिर जीरो हो गए, एक लाइन है भैया, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, फिर बढ़ना शुरू हुआ, कितना हुआ, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, ये पीक पे आ गया, फिर तीन से कम होना शुरू हुआ, दो रह गया, एक रह गया, जीरो रह गया, फिर ये आ गया, फिर ये बढ़ना शुरू हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, फिर किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो गया। अब इसको आप चाहो तो यहां से भी प्लॉट कर सकते थे, एक आधा साइकिल और दिखा दो, तो जब मैं वैसे प्लॉट, अब इस फिगर को मैं रब कर सकता हूं, क्योंकि देखो ना बेटा मैंने इसको यहां से प्लॉट किया, आप चाहो तो इसको यहां से भी कर सकते, क्योंकि साइकिल अभी मैंने एक कोसाइन दिखाया, फिर वो साइन दिखा दूंगा, है तो वो सिंपल हार्मोनिक साइकिल, पढ़ चुका हूं सारी बातें मैं 11th के अंदर। अब मैं इसको थोड़ा सा यहां से रब कर लेता हूं भाई, क्योंकि मुझे थोड़ी सी फिगर बनानी है जो मेरी ईएम वेव्स जनरेट हुई है वो बनानी है मुझे। लो जी मैंने क्या किया, इसको ओरिजिन से प्लॉट कर लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन ये आएगी, ये मैंने बता दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
अब आगे चलने से पहले थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। मैक्सवेल साहब ने यह कहा था कि भाई जब वो ऑसिलेटिंग चार्ज है वो क्या करेगा, ईएम वेव्स बनाएगा और उनको चलने के लिए कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, वो अपने आप चली जाएंगे। ये मत सोचना उनको कोई उठा के लेके जाना, मुझे वो अपने आप चली जाएंगे। अब और साथ में ये भी कहा था कि अगर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक है दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे को एनहांस करते हैं, फेवर करते हैं। अब यहां देखो ध्यान से क्या हुआ, जैसे ही ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल मिला, जैसे ही ये मिला, बी केयरफुल, एक बात और कही थी उन्होंने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो एक दूसरे के नॉर्मल डायरेक्शन में, मींस अगर ये इलेक्ट्रिक है तो ये मैग्नेटिक होगा, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जो मैंने पेन पकड़ा दिस इज डायरेक्शन। तो तीन चीजें हैं लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, ये मैग्नेटिक है और ये डायरेक्शन प्रोपेगेशन है, या ये मैग्नेटिक हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक हो सकता है, डायरेक्शन प्रोपेगेशन ये हो सकती है, वो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के ट्रांसवर्स है। अब मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशनरी कहां है, अलोंग वाई एक्सिस है, किधर जा रही है, ये अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है। इसने क्या किया, जैसे ये बनी इसने एक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू इट्स कंपोनेंट ये बना दी भाई, इसने ये बना दी, देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही मुझे हाफ साइकिल मिला, जैसे ही चार्ज पार्टिकल आपका ऑसिलेट किया, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उसने अपने आप मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। अब इस मैग्नेटिक को ये चाहिए नहीं, ये बनाएगा अपने आप, इसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया वेरिएबल, और फिर क्या किया इसने, इसने फिर मैग्नेटिक फील्ड बना दिया अलोंग वाई एक्सिस, लाइक दिस, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। तो मुझे तो जस्ट एक ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल एक साइकिल के लिए भी नहीं चाहिए था, आधा साइकिल के लिए चाहिए था, उसने वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, फिर वो अपने जो और फील्ड कहां जाए, अब फील्ड कहां होता है, बी केयरफुल, फील्ड कोई डिवाइस के अंदर रहता है, फील्ड तो बाहर जाता है, तो जैसे फील्ड बाहर निकला उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, एंड प्रोसेस कंटिन्यूज, ये सिस्टम चल पड़ा। फिर अब आपका ये किसने दिया, ये कहा हर्ट्ज ने कहा, हर्ट्ज वाज सक्सेसफुल इन फॉर्मिंग दिस वेव्स, जिनके बारे में मैक्सवेल साहब सब कुछ बता कर गए कि ये वेव कैसी होंगी, अगर ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है तो ये मैग्नेटिक, अगर ये इलेक्ट्रिक है तो ये मैग्नेटिक, और वेव आगे चलेगी, ये बता कर गए सारी बातें। इनकी स्पीड के बारे में भी सारा बता कर गए कि स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगी फ्री स्पेस के अंदर। अब यहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो वेव होंगी, दोनों की दोनों ट्रेवलिंग वेव हैं, दोनों की वेव इक्वेशंस होंगी, दोनों की कुछ पीक वैल्यूज हैं, वो उनमें रिलेशन भी बता कर गए कि जो इलेक्ट्रिक का कंपोनेंट का जो पीक वैल्यू होगा वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू मैग्नेटिक कंपोनेंट का पीक वैल्यू होगा, ये सब बता कर गए। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वो म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, इस फ्री स्पेस में इस वेलोसिटी से चलेंगी ये, ऑल्दो इनके सारे मैथमेटिक्स हैं हमारे पास, लेकिन वो सब देकर गए मैथमेटिक्स सारा कि भी ये स्पीड रहेगी, ये दो, ये स्पीड सी जो है वो ये ऐसे निकलेगी, वो उसकी मीडियम की मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये परमिएबिलिटी है और ये परमिटिविटी है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों फील्ड है, फिर दोनों में रिलेशन भी बताया सारा उन्होंने, ये सारा मैथमेटिक्स है मेरे पास, इसमें कोई डाउट नहीं, मुझे टोटल मैथमेटिक्स मेरे पास है सारा, मेरे पास बुक में है मेरे पास सारा मैथ, लेकिन ये जो कॉज था ये वो नहीं बता पाए मैक्सवेल साहब कि वो कैसे बनेंगे, या वो मतलब जनरेट कैसे होंगे, जनरेट करके नहीं दिखा पाए मैक्सवेल साहब, बाकी सब बताया उन्होंने कि उनका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है, ऐसे वेव चलेंगी, ये स्पीड होगी उनकी, अगर कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम आ गया तो वहां स्पीड कम हो जाएगी, जब वो चलेंगी तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट की जो टोटल एनर्जी ऑफ वेव है दोनों में इक्वली डिवाइडेड होंगी, कि आधी इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी आधी मैग्नेटिक एनर्जी, ये भी अभी बात करेंगे, अभी हम आगे जाके इसकी बात भी करेंगे, ठीक है ना, दोनों ट्रांसफर्स होंगे, ये फ्री स्पेस में भी स्पीड ऑफ लाइट चलेंगी, अगर कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम है तो वहां स्पीड कम हो जाएगी, दोनों में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कंपोनेंट में ये रिलेशनशिप है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट का फार्मूला है, ये सब कुछ देकर गए थे, सिर्फ वो उनको जनरेट नहीं कर पाए, प्रैक्टिकल शेप नहीं दे पाए उनको, उनका सारा डिस्कशन थ्योरेटिकल शेप में था। हर्ट्ज ने
ये जो हर्ट्ज था उसने साइंटिस्ट ने इसको प्रैक्टिकल शेप दी थी, और उसका ये बेसिक पीछे फिनोमेनन था कि भी मैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहा हूं। उसने सेटअप तो बड़ा छोटा सा बनाया था हर्ट्ज ने, उस हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का मैं आपको सेटअप दिखा देता हूं उसने क्या किया था। उसने तो ये किया था हर्ट्ज ने तो कि भी मेरे पास दो प्लेट्स हैं, राइट, ये जो दो प्लेट्स हैं 60 सेंटीमीटर अपार्ट रखी थी उसने, उनकी जो उनको फिर लगाया था दो स्फेरिकल स्फेयर के साथ, ये जो प्लेट्स का जो दो प्लेट्स एज ए कैपेसिटर काम कर रही थी, लीड्स एज ए इंडक्टेंस काम कर रही थी, इसको लगाया उसने इंडक्शन कॉयल के साथ, इंडक्शन कॉयल आपको वेरिएबल सप्लाई देती है, यहां एयर डिस्चार्ज होगी, यहां पर क्या हुआ, जब डिस्चार्ज हुई तो क्या हुआ, क्योंकि ऑसिलेटिंग चार्ज था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी, इसके नॉर्मल उसने क्या रखा, अपना एक वो रखा रिडक्टर, उससे डिटेक्ट कर लिया कि हाँ देखो जी बन रही है। उसने कहा क्यों बन रही है, करज ये वाला मैंने कॉज लगाया पीछे फिनोमेनन सारा। एक्सपेरिमेंट तो दो लाइन हो गया उसका, गिनती का फर्ड्स का, एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं है, गिनती की चार लाइन है। आपकी बुक में सिर्फ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जो मतलब बुक्स मिलेंगी मुझे, ये मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, थोड़ा सा चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। उसने कहा कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट किस बेस पे किया उसने, इस बेस पे सारा काम किया। अब मैंने क्यों किया, पहले मैंने थ्योरी की बात की, ईएम वेव्स की हिस्ट्री की बात की, सीधी मैंने प्रोडक्शन की बात कर दी। क्यों, अब मुझे मेरे माइंड में क्लियर हो चुका है दो चीजें। नंबर वन, अब ध्यान से देखना जरा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अलोंग ये एक्सिस है मेरी, दो एक ये एक्सिस है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ऐसे वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक यहां वेरी कर रहा है, तो दोनों सेम फेज में हैं। कि अगर मैंने सपोज करो मेरे पास व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, वो क्या पढ़कर आया हूं मैं, ये पढ़कर आया हूं मैं ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन, अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस मेरी वेव जा रही है, ये पढ़कर आया हूं ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन में। तो कहता है आज यहां आपको दो इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया लॉन्ग वाई एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड, इनके दोनों की पीक वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन दोनों का फेज सेम होगा, फेज दोनों का सेम होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो जो फेज इसका है वही फेज मैक्सिमा वाला इसका होगा, अगर मैं यहां खड़ा हूं तो जो फेज इसका है वही फेज मैग्नेटिक का होगा। हाँ, अलग अलग पॉइंट की बात करूंगा, जब मैं मान लो इलेक्ट्रिक की इस और इस पॉइंट की, तो दोनों के अलग अलग फेज है, बड़ी क्लियर सी बात है। अगर मैग्नेटिक की भी यही बात कर रहा हूं तो फिर दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे सेम फेज हो जाएंगे। तो जब मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट की बात करूंगा, दोनों सेम फेज में चलती है, एट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दोनों का सेम फेज होगा, कोई डाउट हो उसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर। एक छोटी सी बात और करनी है मुझे, कहते हैं जब ये एनर्जी चलती है, ये जब ये एनर्जी चलती, कह रहा एनर्जी है ना बेसिकली, तो ये जब ये चलेगी तो डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा। मैंने कहा आपकी मर्जी है, इधर इलेक्ट्रिक ले लो इधर मैग्नेटिक ले लो, आपकी मर्जी है इधर मैग्नेटिक ले लो इलेक्ट्रिक ले लो, ये भी तो कर सकता था मैं, ऐसे भी तो कर सकता हूं कि अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक है, अलोंग वाई एक्सिस मैग्नेटिक है, अलोंग जेड एक्सिस वेव जा रही है मेरी, ये भी तो मैं कर सकता हूं ऐसे, ये भी तो कर सकता हूं मैं। अब जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट है और वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी, ये कौन डिसाइड करेगा। ये थोड़ा ना कि आपकी मर्जी है, ये इलेक्ट्रिक ये मैग्नेटिक अलोंग एक्स एक्सिस ऐसी चलेगी हमेशा, ये आपने कहा जी मैं तो ऐसे कर लेता हूं ऐसे, तो तब भी तरी चलेगी क्या, तो डायरेक्शन तो अब उल्टी होनी चाहिए, तो वो कौन डिसाइड करेगा। वो पॉइंटिंग ने फिर कहा था, पॉइंटिंग ने एक वेक्टर दिया था, पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं इसको और पॉइंटिंग थ्योरम भी बोल देते हैं इसको। इसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड जो है, उसने एक वेक्टर दिया था, दैट इज योर ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय म्यू नॉट। बेसिकली उसने दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में दिया था। अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो दैट इज योर ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, तो मैं एच की बात ज्यादा नहीं करता, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय म्यू नॉट वेक्टर, दैट इज योर एस कैप। ये डायरेक्शन निकालने के काम आएगा, दिस इज ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है।
अब सपोज कर लीजिए आपको यह कहा गया कि मेरी वेव की जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा vt प्लस x है, ये मेरा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट था जी, वो कहता है। अब मैग्नेटिक कंपोनेंट के बारे में बताओ, और ये मैंने इसको क्या लिख दिया, जो मेरा वाई ने मैंने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और यहां लिख दिया, सपोज कर लेते हैं यहां लिखा मैंने k कैप, कि ये अलोंग k कैप है, जेड डायरेक्शन के अलोंग है क्योंकि मर्जी है उसकी। अभी तो आपने कहा है मेरी मर्जी, मैं इसको अलोंग वाई एक्सिस लो, अलोंग एक्सिस तो जैसे मर्जी ले सकता हूं मैं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मुझे यह बताएगा वो क्या है, एक्स एक्सिस है। लेकिन प्लस आ गया तो मैं पढ़कर आया हूं 11th में, माइनस एक्स एक्सिस है, मींस मेरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो अलोंग आई कैप है, ठीक हो गया, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, अलोंग के कैप है। इसकी डायरेक्शन बतानी है कौन सी होगी, ये क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। अब ये चेक करो, मैं पढ़कर आया हूं 11th क्लास, सारी बातें 11th की चली गई मेरी, आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है जी। अब k क्रॉस j क्या होता है, माइनस आई कैप होता है, क्योंकि मैंने इनको ऐसे लिखा है भाई, सॉरी, मेरा डायरेक्शन मोशन ये वाली थी, अगर मैं k क्रॉस j करूंगा तो माइनस कैप आएगा, तो k क्रॉस चेक कर लो यही माइनस आई कैप होता है। इट मींस ये मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब अगर यहां पॉजिटिव होता, अब ध्यान से देखो, यहां अगर पॉजिटिव होता, ये मान लो माइनस होता, यहां पर ये माइनस होता, तब कैसे काम करेंगे। अब ये पॉजिटिव हो गया, ये मेरा वही जेड दिया, ये के है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव आए, के क्रॉस जे तो नेगेटिव होता है, इसको माइनस जे आना पड़ेगा ताकि मेरे पास ये, क्योंकि के क्रॉस जे नेगेटिव है, एक नेगेटिव ऑलरेडी पड़ा है, पॉजिटिव बन गया। तो अगर मेरी प्रोपेगेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, अब मैंने कहा, और मेरी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस है, तो मेरा मैग्नेटिक कंपोनेंट अलोंग माइनस वाई एक्सिस होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेटिंग डायरेक्शन ऑफ, जब हम आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि कोई वेव है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दी हुई है, ये दी हुई है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी दिया हुआ, उसका मैग्नेटिक कंपोनेंट भी बताओ, उसका उसकी डायरेक्शन भी बताओ, उसकी वेव फॉर्म भी बताओ, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक पता है, वेलोसिटी पता है, मुझे पता है, यहां से मैग्नेटिक की पीक वैल्यू निकाल लूंगा, फेज दोनों का सेम होता है, डायरेक्शन यहां से निकाल लूंगा मैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम फिर क्या करते हैं, इसको इसी को ही पॉइंटिंग वेक्टर भी बोलते हैं। व्हाट इज पॉइंटिंग थ्योरम, इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर एरिया पर सेकेंड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। एनर्जी फ्लोइंग पर एरिया पर सेकेंड, जिसको इंटेंसिटी भी बोलते हैं, आगे जाके आएंगी बातें सारी ये, लेकिन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मुझे जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो ये सॉल्व करके बताएगा। तो मैं यहां पर आपका ये पार्ट तो छोड़ सकता हूं, इसका मैथमेटिक्स ना करूं क्योंकि टाइम के कंस्ट्रेंट्स रहते हैं कई दफा क्लास में टीचर के लिए, लेकिन ये बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए बकायदा थ्योरी है आपके पास कि वो छोटा सा एक आर्टिकल है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे निकालेंगे, वहां ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई डाउट हो, देख लो बच्चों जी। और जो मैंने क्या कहा, उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दो कंपोनेंट होंगे, दोनों एक दूसरे के ट्रांसवर्स नेचर में होंगे, मींस नॉर्मल होंगे, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी। और मैंने ये बात यहां समझा दिया आपको, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव दोनों सेम फेज में होती हैं, दोनों सेम फेज के अंदर होती हैं। तो अब मैंने कहा ये मेरी इक्वेशन ट्रेवलिंग वेव की है, अगर मुझे मैग्नेटिक की इक्वेशन, ये एक्स आ गई, वाई आएगा आर साइन ऑफ 2π/λ, ये तो यही रहेगा। अब इसकी डायरेक्शन, जैसे मैंने यहां पर के कैप लगा दिया था, के कैप लगा दिया था, अब ये कहां है वो मुझे इससे निकालनी पड़ेगी। अगर वो वेक्टर लगा देता है तो आपको बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, कोई डाउट हो बच्चा जी। चलें आगे, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट ये। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, कहता है इफ सी बी द
स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन फ्री स्पेस, क्योंकि फ्री स्पेस में तो मैंने कहा कितनी होती है, सी होती है. फाइंड स्पीड इन अ मीडियम ऑफ, हां जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितनी है भाई, वो म्यू आर है, इस मीडियम में निकालनी है. तो व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मींस फ्री स्पेस, ये मैंने कहा है आपको, ये फॉर्मूला है, बकायदा थ्योरी से प्रूव कर सकते हैं. व्हाट इज इन मीडियम, मीडियम के अंदर वी लगा देते हैं, म्यू और एप्सिलॉन, ये मीडियम के लिए आ गए भाई. हम ये पढ़कर आए हैं, इनको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज म्यू नॉट म्यू आर, व्हाट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, चेक कर लो बच्चा जी. इस एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, एयर बाय मीडियम, ठीक है बच्चा जी. तो व्हाट इज योर वी, आराम से काम कर लेते हैं. म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, के और म्यू आर कॉमन आ गया, ये सी बन गया. तो सी अपॉन रूट के म्यू आर, ये स्पीड ऑफ लाइट आ गई, सॉरी स्पीड ऑफ ईएमएफ आ गई एन मीडियम, चेक कर लो बच्चा जी. दिस इज योर स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन मीडियम. कोई डाउट हो देख लो, चले आगे. अब थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं इसी क्वेश्चन को, चले बेटा जी. अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं भाई, कैसे करते हैं मॉडिफाई वो भी देख लेते हैं. मैंने कहा द स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन फ्री स्पेस इज सी, ठीक है. फाइंड इट्स स्पीड इन ए मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. अब जो मीडियम है उसकी मैंने मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात की नहीं. व्हाट इट मींस द मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक, मींस मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक. और जब मीडियम आपका नॉन मैग्नेटिक होगा तो वो क्या करेगा, वो वही प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड की लेगा जो एयर वाली है. देखते आराम से देखते हैं. लो जी, व्हाट इज सी, म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज वी, वन बाय म्यू एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन बाय. यहां पर ये वही चलेंगी जो फ्री स्पेस की, अपनी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है तो वही यूज करता है जो फ्री स्पेस की होती हैं. व्हाट इज एप्सिलॉन, क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. तो ये क्या बन गया, वी इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज एप्सिलॉन आर, उसको डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं. तो पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये फर्क आ गया, देख लो. तो मैंने इसलिए पहले वाले में दोनों चीजें बताई था, क्योंकि अगर मैं पहले ये क्वेश्चन करता तो आपके माइंड में नहीं आती बातें कि पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं. इसके बाद फिर मैंने अभी अगला क्वेश्चन किया. अब एक क्वेश्चन और बना देता हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन. वो कहता है थर्ड क्वेश्चन कि स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन फ्री स्पेस मुझे दी हुई है, और मुझे स्पीड ऑफ ईएम वेव्स किसी मीडियम में भी दी हुई है, और वो आपसे उसका सिर्फ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहुंच रहा है, मींस वो मीडियम कौन सा है, नॉन मैग्नेटिक है. थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले सारी बातें स्पीड की कर रहा हूं. स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन एयर
इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन ए मीडियम इज सपोज कर लो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड फाइंड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम। अब इसका मतलब भी क्या है कि वो जो मीडियम है वो नॉन मैग्नेटिक है वही प्रॉपर्टी यूज करेगा जो फ्री स्पेस की है। तो व्हाट इज सी मैं पढ़कर आया हूं म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट व्हाट इज वी 1/μ एप्सिलॉन इज इक्वल टू म्यू सो नॉट एप्सिलॉन नॉट और के लगा दू तो सीधा कोई दिक्कत नहीं अब तो मुझे पता लग गया इतनी बातें राइट तो कितना आ गया वो सी बाय रूट के आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो तो व्हाट इज के सी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर तो 3 × 10⁸ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.5 × 10⁸ का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा जी के चेक कर लो एक ये भी है। वो मुझसे अगर सिर्फ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है इट मींस माय मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक वो वही प्रॉपर्टी यूज करेगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एयर की है। हां अगर वो आपसे ये पूछता कि फाइंड परमिएबिलिटी इट मींस अब वो डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज वही यूज कर रहा है जो उसकी थी तो जैसे भी आपको कहेगा तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा मुझे। चले आगे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ ईएम वेव्स इज गिवन एज ईएम वेव्स इन ए मीडियम इज गिवन एज ई वाई इज इक्वल टू सपोज 100 साइन ऑफ 6 × 10⁸ टी प्लस 4x ये दिया हुआ भाई। अब वेव चला दी मैंने वेव फॉर्म के अंदर आ गया हूं मैं व्हाट इज माय वेव फॉर्म y इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx या kx माइनस ओमेगा टी जो भी शेप होगी उसके अकॉर्डिंग फाइंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहा है मींस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अब चलें अब इस थ्योरी में चलते हैं व्हाट इज योर इसके दो तीन फॉर्मूले थे एक था आर साइन ऑफ 2π/λ वीटी माइनस एक्स एक ये फॉर्मूला भी था याद हो अगर थोड़ा सा आपको तो चलो हम यहां चलते हैं व्हाट इज वी क्या होगी भाई ओमेगा बाय के होगी कैसे वो प्रूव कर देते हैं व्हाट इज ओमेगा 2π न्यू व्हाट इज के 2π/λ न्यू लैम्डा तो वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा तो होती है वेलोसिटी वेलोसिटी न्यू लैम्डा तो होती है तो व्हाट इज इन माय केस स्पीड ऑफ ईएम वेव्स मैंने क्या कहा ये मैंने पहले कहा है कि मेरी ट्रेवलिंग वेव है ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन में वही 11th क्लास वाले यूज करूंगा लेकिन मेरे पास क्या है यहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट का सेम फेज अभी वो भी बातें आएंगी सारी अभी धीरे धीरे करके आगे चलते हैं तो व्हाट इज वी ओमेगा बाय के मेरा ओमेगा कितना भी ये सारा ओमेगा है 6 × 10⁸ ये सारा क्या है के है ओमेगा बाय के है ना यस बाय 4 तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई है जी मीडियम के अंदर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना एयर में मुझे पता कितनी होती है व्हाट इज सी 3 × 10⁸ मीटर पर ये तो मुझे पता ही है। अब चाहो तो उसको मैं बेसिक फॉर्मूले से कर दूं या अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था व्हाट वाज के सी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर से कर लो नहीं तो कोई बात नहीं अगर आपको दो ही मिनट लगेंगे सिर्फ सी क्या होती है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है व्हाट इज वी 1 / μ εb ये होता है भाई दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो रही दिस विल बी के एब्सिलॉन नॉट तो सॉल्व करके सी बाय रूट के आ जाएगी तो वी इज इक्वल टू सी बाय रूट के तो व्हाट इज वी बाय सी सॉरी व्हाट इज के
सी स्केयर बाय वी स्केयर, तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5 × 10⁸, तो सॉल्व करके के बराबर 4 आ गया। अब ये मैंने आपको वेव से भी निकाल के दिखा दिया, पहले तो मैंने आपको चीजें दी थी कि भी स्पीड सी है, तो अब मैंने मीडियम में आपसे यहां से निकलवा ली वेव से, क्योंकि सब कुछ है, तो क्योंकि उसने क्या कहा ईएम वेव्स के वेव जा रही है, तो वेव ही तो सब कुछ लेके जा रही है, वही तो बताएगी हमारी डायरेक्शन क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस, वही तो बताएगी मेरी एनर्जी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, यहां से निकलेगी, वही तो बताएगी मेरा पीक कंपोनेंट कितना है, ये है ये पीक कंपोनेंट है। अगर मुझे मैग्नेटिक का निकालना है तो सी बी नॉट बन जाएगा, सब बातें यहीं से निकलेगी इसी वेव से। तो पहले मैंने जनरल बातें की, अब मैं वेव के ऊपर आ गया हूं, तो धीरे धीरे वेव की बात करनी, मुझे तो यहां से चीजों को सॉल्व करना आना चाहिए, वो जो मैंने पहले किया दैट वाज ए कंसेप्ट, ताकि मैं यहां तक पहुंच सकूं। अब और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग वेव ऑफ वेवलेंथ टू पॉइंट फाइव मीटर इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है जी, बता रहा है अलोंग, इफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विद पीक वैल्यू मींस ई नॉट दिया हुआ है 240 वोल्ट पर मीटर इज अलोंग वाई एक्सिस, ये भी बता रहा है भी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, देन राइट सूटेबल इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिक एंड ई एंड बी मीन्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये काम करना। आपकी वेव कहां जा रही है, आर पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि अलोंग जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब मेरे को क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उसकी पीक वैल्यू 240 वोल्ट पर मीटर है, साइन ऑफ वेवलेंथ की बात भी कर रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, यही कर देता हूं, कोई बात नहीं, ओमेगा कॉमन ले लिया, टी माइनस ओमेगा बाय के बाय ओमेगा आ जाएगा यहां पर। अब के बाय ओमेगा को सॉल्व कर लेता हूं, के बाय ओमेगा तो क्या वेलोसिटी होती है, तो वी नीचे आ गई बेटा जी, क्योंकि ओमेगा बाय के अभी वेलोसिटी पढ़कर आए हो आप, ठीक है जी। यहां पर देखो मीडियम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इट मींस फ्री स्पेस की बात कर रहा है, और फ्री स्पेस में वेरी वेलोसिटी सी होती है, एक तो ये शेप है, और क्या दूसरी शेप ये बन सकती थी, वाई इज इक्वल टू आर साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा सी टी माइनस, मैंने वी नहीं लगाया, बी केयरफुल, वी तब लगाता जब ये मीडियम की प्रॉपर्टीज की बात करता, मीडियम की प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं कर रहा, इट मींस फ्री स्पेस, अदरवाइज मुझे बताना पड़ेगा ना कि मीडियम कौन सा है, और वैसे भी कहा है उसने एन ई एम वेव्स ऑफ दिस ट्रेवलिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विद पीक वैल्यू दिस मच इज अलॉन्ग वाई एक्सिस देन इक्वेशन फॉर द सुटेबल इक्वेशन वर्ड लगा रहा वो, तो अगर मीडियम की प्रॉपर्टी बताएगा तो मैं बात कर दूंगा, नहीं बता रहा फ्री स्पेस की बात करूंगा मैं, तो मैंने वहां पर वेलोसिटी को वी नहीं, चलो यहां भी मैं वी लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहे, थोड़ी सी क्लैरिटी रहे, लो जी यही पढ़कर आए हम पीछे, मुझे वेवलेंथ की बात कर रहा है तो फिर मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा अलॉन्ग वाई एक्स साइन 2 पाई बाय, अभी पूरा ले देता हूं मैं इसको सी टी माइनस एक्स, तो कहां है ये 240 साइन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1.5, क्योंकि कितने 2.5 मीटर सॉरी, ठीक है जी, सी टी माइनस एक्स, और कहां है अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, आपकी मर्जी है, यहां वाई लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस माइनस ये बताएगा कि अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है या अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, वो ये जे कैप बताएगा। अब मैंने पढ़ा हुआ है व्हाट इज ई नॉट सॉरी हां जी व्हाट इज योर क्या था
ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट होता है, ये पढ़कर आए हैं। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट निकालना है, लगाओ जी मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो व्हाट इज, आपने क्या कहा, ई इज इक्वल टू सी बी नॉट, तो ई नॉट बाई सी आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो व्हाट इज बी जेड, तो क्या बन जाएगा वो ई नॉट बाई सी, तो 240 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10^8 साइन ऑफ 2π डिवाइडेड बाई 2.5 सी टी माइनस एक्स। अब ये होगा कहाँ, वो मुझे एस वेक्टर बताएगा। व्हाट इज एक्स वेक्टर, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय म्यू नॉट। एक्स वेक्टर कहाँ है, अलोंग आई एक्सिस है। ई वेक्टर कहाँ है, अलोंग जे कैप है, अलोंग जे कैप है। अब मेरे को ये पता है बच्चा जी, दिस इज आई, दिस इज जे, दिस इज के। अब जे क्रॉस के क्या होता है, प्लस आई कैप ही होता है, चेक कर लो, जे क्रॉस के प्लस आई कैप ही होता है, क्योंकि ई कहाँ है, अलोंग जे कैप है। तो क्या आ जाएगा, ये के कैप आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी, व्हाट इज सूटेबल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो मैंने यहां पर इक्वेशन की बात भी कर ली और आपका पॉइंटिंग वेक्टर भी यूज कर लिया डायरेक्शन निकालने के लिए। अगर ये कहीं मान लो माइनस जे कैप होता तो फिर ये भी माइनस के कैप होता, तो कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम चलेगा सारा। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक ईएम वेव्स है वो चल रही है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दिया उसने मुझे 200 वोल्ट पर मीटर है ये, साइन ऑफ 0.5 इंटू 10^3 प्लस 1.5 इंटू 10^11 ये दिया हुआ है, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है और इसको दिया है उसने अलोंग माइनस जे कैप, इसके अलोंग या माइनस के कैप के अलोंग दिए भाई, के कैप करो, चलो ये अलोंग के कैप है, दिस इज अलोंग के कैप, ठीक है जी। इसलिए हम यहां पर कभी या तो हम फिक्स कर ले अलोंग वाई एक्सिस, या तो मुझे मैंने काम करना है, तो अब वो दिया हुआ है तो इसे मैंने के कैप लगा दिया। कहता है नंबर वन, फाइंड स्पीड ऑफ वेव, नंबर टू वेवलेंथ की बात भी करनी है भाई, ठीक है जी। उसके बाद नंबर थ्री फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव की बात भी करनी है, ठीक है जी। और फिर सूटेबल इक्वेशन फॉर बी भी लिखनी है, पहले स्पीड की बात करनी है। ये के होता है और ये ओमेगा होता है, तो व्हाट इज स्पीड, ओमेगा बाय के, व्हाट इज ओमेगा, 1.5 इंटू 10^11 0.5 इंटू 10^3 इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है भाई, स्पीड आ गई है। वेवलेंथ व्हाट इज योर दिस के, 0.5 इंटू व्हाट इज के, 0.5 इंटू 10^3 के, व्हाट इज के, 2π बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2π बाय लैम्डा। तो व्हाट इज लैम्डा, 2π डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10^3, चेक कर लो भाई। तो ये बन जाएगा 6.28 होता है बेटा जी ऊपर, 0.5 इंटू 10^-3 तो ये 62.8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10^-3 तो ये बन जाएगा 5 1 5 5 2, ठीक है जी, 12.6 इंटू 10^-3 मीटरों में आ रहा है और 1.256 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये इसकी वेवलेंथ होगी सेंटीमीटर, सॉरी, चेक कर लो बच्चों जी, सेंटीमीटर में, ठीक हो गया। डिवाइड किया 12.56 इंटू 10^-3 मीटर है ये, क्योंकि मैंने ऊपर वोल्ट पर मीटर बोला था, मीटर हो गया, तो माइनस 100 से डिवाइड कर दिया, माइनस 1 रह गया सेंटीमीटर, तो 1.256। फ्रीक्वेंसी की बात भी करनी है, व्हाट इज ओमेगा,
ओमेगा है जी आपके पास कितना, 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11 ओमेगा है जी ये, राइट। तो व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई न्यू, तो व्हाट इज न्यू, 1.5 इंटू 10 रेज टू 11 डिवाइडेड बाय 6.28, राइट। तो आप इसको क्या कर लो ऊपर बेटा जी, 1.50 अपॉन 6.28 कोई फर्क नहीं पड़ा, इंटू 10 रेज कोई फर्क नहीं पड़ा, देख लो बिल्कुल। तो रफली ये 1/4 आ जाएगा, रफली की रफ की बात कर रहा हूँ, 1/4 इंटू 10 रेज टू पावर 11, सो दिस इज 0.25 बनेगा, तो रफली 25 इंटू 10 रेज टू 9। मैंने अप्रॉक्सीमेटली बात की, अभी ध्यान रखना एग्जैक्ट बात नहीं की मैंने आपके साथ। वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, स्पीड होगी, सुटेबल इक्वेशन फॉर बी। तो व्हाट इज बी, क्या होता है, अभी आपने कहा था कि ई इज इक्वल टू सी बी नॉट ई नॉट, तो व्हाट इज बी नॉट, ई नॉट बाय सी, ई नॉट बाय सी, ई नॉट ये रहा भाई, 200 इंटू 10 रेज टू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज टू 8, सॉल्व करके ये रफली 66.6 आ जाएगी, 66.6। आगे सारा साइन और ये सारा पैरामीटर वही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात रह गई है डायरेक्शन की, वो निकालेगा मेरा कौन, वो बताएगा आपको एस वेक्टर बराबर है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय म्यू नॉट। व्हाट इज एस वेक्टर माइनस आई कैप, व्हाट इज ई वेक्टर के कैप क्रॉस, के क्रॉस जे क्या होता है भाई, माइनस आई कैप, चेक कर लो, के क्रॉस जे इज माइनस, क्योंकि जे क्रॉस के प्लस होता है, के क्रॉस जे माइनस, तो ये कहां आ जाएगा अलोंग, इसको मैं चलो यहां से रब कर देता हूं, इसी को यही लिख देते हैं, साइन ऑफ 0.5 इंटू 10 रेज टू 3, 1.5 इंटू 10 रेज टू 11 टी, यहां एक्स आएगा और क्या आ जाएगा, जे कैप। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, कोई डाउट हो बच्चा जी, क्योंकि अभी आपने कहा ई इज इक्वल टू सी बी नॉट, तो व्हाट इज ई नॉट इज सी बी नॉट, तो व्हाट इज बी नॉट, ई नॉट बाय सी, तो ई नॉट बाय सी कर दिया, पहले मैंने बी नॉट निकालने के लिए, कोई डाउट हो बच्चा जी। तो आज हमने जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है तो अपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट को कैसे चलाती है, किस डायरेक्शन में चलाती है, क्या वेलोसिटी होगी और क्या उनकी पीक वैल्यू, वो सब डिस्कस मैंने किया है। अभी एनर्जी की बात नहीं की, एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी वो नेक्स्ट में करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।